मटन मटका पुलाव बनके तैयार है। नमस्ते, मैं सत्यजीत सत्यजीत किचन के आज के एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। पुलाव बिरयानी हम सब ने कई तरीके के खाए हैं, घर में बनाते हैं, बाहर खाए हुए हैं, लेकिन क्या आपने कभी मटन मटका पुलाव बनाया है? बना के देखते हैं देसी स्टाइल मटन मटका पुलाव। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 400 ग्राम अच्छा फ्रेश मटन, ताज़ा योगर्ट, दही, थोड़ा सा उसको बीट कर दीजिए, इसके अंदर नमक, थोड़ी सी हल्दी, ताज़ा कटा धनिया है, स्लाइस्ड अनियन है। इस रेसिपी में मैं टोटल 3 स्लाइस्ड अनियन यूज़ करने वाला हूँ, उसमें से एक आधा स्लाइस्ड अनियन मैं अभी इसके अंदर डाल दूँगा। मिक्स कर दीजिए इसको, और 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये बन गया हमारा मैरिनेशन। 400 ग्राम फ्रेश मटन, मैरिनेशन के अंदर। अब आइडियली मटन को आप 5 से 6 घंटे मैरिनेट करके रखिए, फ्रिज में रखिए, ताकि वो मटन अच्छे से सब फ्लेवर्स अब्सॉर्ब कर ले और कुक होते वक्त भी जल्दी से कुक हो जाए। मैं यहाँ पे 3 घंटे इसको मैरिनेट करके रख दूँगा। प्रेशर पैन में तेल, जब तेल गर्म हो जाए, एक तेज पत्ता, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, स्टार अनीस, 2 ग्रीन चिलीज जिसको मैंने कट किया हुआ है, मटन जो हमने मैरिनेट करके 3 घंटे से रखा हुआ है। इसको 4 से 5 मिनट के लिए अभी आप फ्राई करके लीजिए। अब ऑलमोस्ट 5 मिनट हो गए, ये मटन थोड़ा सॉटे हो रहा था। एंड में जब हमें चाहिए तब ये मटन में ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, इसलिए मैं बहुत थोड़ा पानी डालूँगा। कर्ड का भी अपना पानी निकलेगा, मटन का पानी निकलेगा, इसलिए अब इसमें बहुत पानी मत डालिए। प्रेशर पैन को बंद कीजिए और एटलीस्ट 4 से 5 सीटी, या जब तक आपका मटन पूरी तरह से गल नहीं जाता। अब जब तक ये मटन कुक हो रहा है, हम हमारे चावल बना लेते हैं। मैंने लिए हुए हैं 4 कप बासमती चावल, जिसको मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा हुआ है। 2 बड़े चम्मच घी, घी गर्म हो गया है, आई एड सम गरम मसाला इन इट, तेज पत्ता, दालचीनी, स्टार अनीस, 2 बड़ी इलायची और 4 से 5 छोटी इलायची, थोड़ी लौंग। चावल को अच्छे से सॉटे कर लीजिए। जब तक चावल का हर एक दाना तेल से कोट होके हल्का फ्राई ना हो जाए, तब तक इसको मिलाते रहिए। अब आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का राइस फ्राई होने लगा है। अब ये चावल हमारे अच्छे से सॉटे हुए हैं, मैं इसमें मिलाऊंगा 6 कप गरम पानी। एट दिस पॉइंट इसमें मैं थोड़ा वाइट पेपर पाउडर मिलाऊंगा और नमक। अब चावल और पानी का लेवल सेम है, आँच धीमी करके आई कवर एंड अलाउ द राइस टू कुक। पानी डाल के कुकर को सेटल कीजिए। एक बार चावल चेक कर लेते हैं, राइस हमारा कुक हुआ है कि नहीं। परफेक्ट, आई थिंक राइस बन गया है। और इसमें 2-1 चीज़ें मिलाएंगे अभी। कटा हुआ पुदीना है, थोड़ा सा, थोड़ा कटा हुआ धनिया। मैंने कुछ आलू के पीसेस लिए थे, जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डीप फ्राई करके लिया है। 1 आलू के पीसेस, थोड़ा सा फ्राइड अनियन, इसको मिक्स कर लीजिए। अगर आप देखें तो जो ये अभी बना है, ये भी एक पुलाव है जो आप वैसे ही किसी को सर्व कर सकते हैं। ये हमारा चावल बन गया, अभी इसको हम साइड में रख देंगे।
अब मटका पुलाव बना रहे हैं तो मटका तो बनता है। इसमें अब मैं डालने वाला हूँ तेल। तेल अच्छे से गर्म हुआ है, मैं इसमें एक ग्रीन चिली, इस रेसिपी के लिए मैंने कहा था मैं 3 स्लाइस अनियन यूज़ करने वाला था, उसमें से 1 स्लाइस अनियन हमने मटन में ऑलरेडी मिलाया था, ये और 2 है जो ये मसाले में जाएंगे। अब इस अनियन को बहुत अच्छे से भून लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा नमक मिलाइए। हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है, अब 5 सीटियाँ हो गई है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं हमारा मटन गल गया है या नहीं। आई थिंक डन, अनियंस हमारे बहुत अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। यहाँ पे मैंने 3 टमेटोज़ को स्लाइस करके रखा था, वो मैं इसके अंदर मिला दूँगा। 2 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसको अभी हमें फिर से थोड़ी देर के लिए भुनना है जब तक टमेटोज़ पूरी तरह से पक ना जाए। अब मैं इसमें मिलाऊँगा थोड़ा और नमक, हल्दी 1/2 टीस्पून, पर हमें रेड चिली पाउडर फिर भी चाहिए, 2 चम्मच जीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, और गरम मसाला अभी मैं 1/2 टीस्पून मिलाऊंगा और बाद में थोड़ा और मिलाऊंगा। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मसाला बन रहा है ये। मटन बनाते वक्त हमने ऑलमोस्ट 1 कप दही डाला था, इसमें और 2 टेबलस्पून्स। मेरे पास कटा हुआ धनिया है, मैं और थोड़ा इसके अंदर मिला लूँगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा फ्राइड अनियन को पेस्ट बना के रखा है जो मैं इसके अंदर अब मिलाऊँगा, आधी पेस्ट में अभी मिला लूँगा। ये पेस्ट मिलाने से आपकी ग्रेवी थोड़ी और थिक हो जाएगी, उसमें कलर भी और अच्छा आ जाएगा। ये ऑलमोस्ट बन गया है, थोड़े और फ्राइड पटेटोज में इसके अंदर मिला लूँगा। देख लीजिए ये करेक्ट कंसिस्टेंसी है हमारे मटन की, थिक मसाला है, मटन बन गया है। चावल हमने पहले ही बना के रखे हैं, ये चावल अब इसके ऊपर मिला दीजिए। ग्रेवी आप ज़्यादा ही रखिए, इसके ऊपर थोड़े और फ्राइड अनियंस, थोड़ा गरम मसाला और कटा हुआ पुदीना। मटन मटका पुलाव बनके तैयार है। इसकी खुशबू बता सकती है कि ये कितना अच्छा बना हुआ है। मैंने तो बना लिया और मैं इसको एंजॉय भी करूँगा, लेकिन आप इसे अपने घर पे ज़रूर बनाइए। मैं हमेशा कहता हूँ बनाइए, खुद खाइए, घर वालों को खिलाइए, सबको पसंद आएगा। घर वाले खुश तो आप खुश, आप खुश हम खुश। अगली बार ज़रूर मिलेंगे, अंटिल देन हैप्पी कुकिंग।